Experience the care of Narayana Health. दोस्तों वेलकम है एक बार फिर से नारायणा हेल्थ के इस इनिशिएटिव लेट्स टॉक हेल्थ। विश्वास नहीं होता कि आज हम 40th एपिसोड में पहुंच गए हैं और इन 39 एपिसोड्स में हम लोगों ने एक प्रयास किया आपके कुछ सिंपल नॉर्मल क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में रहते हैं हेल्थ केयर के बारे में, वो हम अपने डॉक्टरों से पूछें और उनके आंसर्स आपको दें। आज उसी एक सीरीज में चलते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आप लोग बार बार पूछते हैं वो है डायलिसिस, और डायलिसिस के बारे में बात करने के लिए, उसके रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उससे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर एलके झा, जो डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट हैं नेफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट सर्विसेज, किडनी ट्रांसप्लांट सर्विसेज, हमारे जो धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल है दिल्ली में वहां पे। सो डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो लेट्स टॉक हेल्थ। थैंक यू। और इससे पहले हम डायलिसिस के बारे में बात करें, आप हमारे सुनने वालों को अपने बारे में कुछ बताइए। राइट, मैं डॉक्टर एलके झा हूं। मैं यहां पे एज अ डायरेक्टर सीनियर कंसल्टेंट इन नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट कार्यरत हूं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और ये हॉस्पिटल जैसा आपको पता है वेरियस मेनी हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहा है टू द सोसाइटी। मैं यहाँ पे मेनली किडनी से रिलेटेड सारी बीमारियाँ जिसमें कि उनके इलाज के तौर पे कई बार डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि किडनी रिलेटेड इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, काफी ज्यादा पेशेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि किडनीज जो हमारे बॉडी में होती हैं दो होती हैं, और किडनीज का फंक्शन क्या होता है और क्यों ऐसा होता है कि किडनीज का फंक्शन डिटोरिएट हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ताकि कुछ उसमें कुछ इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, और किस स्टेज में किडनी का फंक्शन इतना खराब हो जाता है कि कुछ जैसे डायलिसिस पे एक पेशेंट को आना पड़ता है, जरा उसके बारे में बताइए। तो बेसिक जानकारी मैं सबसे पहले दे दूं, जैसा आपने सही बताया किडनी हमारे शरीर में दो होती हैं, करीबन 750-800 बच्चों में किसी एक में ऐसा हो सकता है कि किडनी एक ही है बाय बर्थ, बट आमतौर पे हमारी दो किडनीज होती हैं और हमारी पेट के हिस्से में लीवर से थोड़ा सा नजदीक नीचे वो स्थित होती हैं। उनका मेन काम है जो वाटर सॉल्युबल जो हमारे शरीर में सारे शरीर के अंग चल रहे हैं उनका एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उनमें से जो पानी में घुल जाती हैं वेस्ट प्रोडक्ट जो वाटर सॉल्युबल हम लोग कहते हैं, उसको निकलने का एक बहुत बढ़िया सा एक सिस्टम बना हुआ है। तो वो जरिया है जिसमें के थ्रू मेनी टॉक्सिन्स लाइक ब्लड यूरिया है, क्रिएटिनिन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, इन सबका बैलेंस मेंटेन करते हुए उन टॉक्सिन्स को शरीर से निकलना होता है किडनी के थ्रू, वो यूरिन फॉर्म में निकलता है। एक सबसे मेजर एक टॉक्सिक रिमूवल एक फैक्टर है। दूसरा एक फैक्टर है जो बॉडी की सारी बैलेंसेज मेंटेन करते हैं, होमियोस्टेसिस जिसको कहते हैं। तो बैलेंसेज मेंटेन करने में ब्लड प्रेशर का बैलेंस है जहां सोडियम इंपॉर्टेंट है, कई बार अदर इलेक्ट्रोलाइट्स है, पोटेशियम है, वाटर बैलेंस है, ये सारी चीजें भी किडनी देख रहा होता है, किडनी के थ्रू ये फंक्शन होती है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट है जिसको हम सिंथेटिक फंक्शन है किडनी का, तो शरीर में कुछ हार्मोन्स बनाता है हड्डियों की मजबूती के लिए, जो विटामिन डी है वो सबसे एक्टिव फॉर्म जो है वो किडनी ही सिक्रीट कर रहा होता है, वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। और उसी तरह एक हार्मोन है एरिथ्रोपोएटिन जो खून बनाने में, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, जो डिजीज्ड है जो नॉन डिजीज है सबके लिए वो इंपॉर्टेंट है, सारे हम लोग के शरीर में वो बनता है एरिथ्रोपोएटिन। जब किडनी की बीमारी होती है तो ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं, जो टॉक्सिन्स हैं वो बढ़ जाते हैं लेवल में, और जो हमारी बैलेंस है वाटर का बैलेंस, तो कई बार वो सूजन आ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, तो ये सारे लक्षण एक पर एक फिर आने लग जाते हैं जैसे जैसे किडनी कमजोर होती रहती है। कई बार लोगों को 50% तक की कमजोरी जो मैं बताना चाह रहा था वो कई बार पता भी नहीं चलता, उसके लक्षण ही नहीं होते, दे आर साइलेंट, ये साइलेंट तरह की बीमारी है शुरुआती डेज में, और जब हमें टेस्ट पे पता चलता है तो पता चलता है कि 50% से ज्यादा किडनी तो डैमेज हो चुकी, उसके बावजूद दवाइयों से उसका ट्रीटमेंट करते हैं और कई हद तक हम किडनी की बीमारी को कंट्रोल कर पाते हैं, कई बार रिवर्स नहीं कर पाते बट कंट्रोल कर लेते हैं, पेशेंट के जो लक्षण है उनको सही कर पाते हैं अगर सही समय पे वो हॉस्पिटल की तरफ आ जाए तो। फिर हम आते वैसी स्टेज जैसा आपने सवाल पूछा था, वो स्टेज की कब ऐसा होता है कि किडनी बिल्कुल ही ऑलमोस्ट फंक्शन नहीं कर रही है और उसके बहुत ज्यादा लक्षण आ रहे हैं, जब ये 15% से कम, जो हम स्टेज 5 कहते हैं, CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज का स्टेज 5 आता है, जो कि वर्किंग किडनी की ऑलमोस्ट 15% से कम होती है, तो लक्षण इसके ज्यादा से ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं।
भूख का न लगना, उल्टी आना, सांस फूलना, सूजन जो कि बढ़ता जाना, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होना, खून कम हो जाना, तो कई सारे लक्षण फिर आने लग जाते हैं और मरीज उन सब से बहुत लक्षण से बिल्कुल परेशान हो जाता है। और फिर जब वो हेल्थ केयर सिस्टम अचीव लेने के लिए आते हैं तब हमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं उस समय में, दवाइयों से पहले लक्षण को सही करें और उसके बाद दो ऑप्शन आते हैं, एक डायलिसिस का और एक किडनी ट्रांसप्लांट का। तो ये उन सिचुएशन में आती है जब किडनी की फंक्शनिंग 15% या इवन 10% से कम हो जाती है। सो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि 15% जो किडनी की फंक्शनैलिटी रह जाती है, और ये दोनों किडनीज की कंबाइंड फंक्शनैलिटी मतलब कैसे पता लगती है? क्योंकि दो किडनीज हैं, एक अगर कम भी फंक्शन करे तो दूसरी तो फंक्शन कर रही है, लेकिन क्या होता है कि 15% कंबाइंड फंक्शनैलिटी कम हो जाती है? अब मैं उस पर आऊंगा कि जैसे आपने पहले भी सवाल पूछा था उस समय हम कंप्लीट नहीं कर पाए कि एक तो कारण क्या है। तो जो भी कारण है, जैसे सबसे कॉमनली हम लोग देख रहे हैं आजकल डायबिटीज एज अ रीजन फॉर किडनी डिजीज, हाइपरटेंशन, तो ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं और बहुत सारी और दवाई जैसे दर्द की दवाई किसी ने खाई, ये सब ब्लड के थ्रू ही उस किडनी तक पहुंचती हैं, तो वो इक्वली दोनों में पहुंचती है। ऐसा नहीं होता कि एक इन कारणों से अगर हो रहा है, जैसे शुगर है, बीपी है, दर्द की दवाई है, कोई भी पेन इन्फेक्शन है, ये हर टाइम में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंचता है और दोनों किडनी ऑलमोस्ट बराबर बराबर अफेक्ट होती हैं। कई बार हाँ, किडनी स्टोन डिजीज है या इन्फेक्शन कोई किडनी के स्पेसिफिक है, पस पड़ गई, वो हो सकता है कि एक सिंगल किडनी को इन्वॉल्व करे और दूसरा स्पेयर हो जाए। और वैसी सिचुएशन में सिंगल किडनी, ये भी बता दूं कि अगर सिर्फ एक ही किडनी डैमेज हो और दूसरा बिल्कुल 100% बढ़िया काम कर रही हो, तो हमारी ब्लड रिपोर्ट्स, हमारे लक्षण सब काफी हद तक सेटल्ड होते हैं। ये ज्यादातर लक्षण तभी आते हैं जब किडनी दोनों ही अफेक्टेड हो रही। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि सुनने वालों को ये पता होना चाहिए और मैं काफी थैंकफुल हूं आपका। तो ये हो गया कि अब किडनी की फंक्शनैलिटी ऐसी हो गई कि आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा और उसका कोई इलाज रह नहीं गया। तो कई लोगों को डायलिसिस के बारे में पता नहीं होता डॉक्टर साहब, तो आज मैं थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डायलिसिस का मैकेनिज्म क्या होता है, क्या क्या किया जाता है, मशीन एक होती है, कोई ट्यूब्स लगाई जाती हैं, जरा उसके बारे में बताइए और कितने टाइप के डायलिसिस होते हैं इसके बारे में बताइए। तो डायलिसिस का मेन पर्पस है, जो हमारे जैसे मैंने पहले बताया था, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो वाटर सॉल्युबल टॉक्सिन्स हैं तो वो रिमूव नहीं हो पाते हैं, तो इन टॉक्सिन्स को रिमूव करना है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड डायलिसिस। नाउ डायलिसिस जैसे बताया, दो तरीके के मेजरली डायलिसिस हैं, एक हम लोग कहते हैं हीमोडायलिसिस, हीमो से मतलब है ब्लड से रिलेटेड, तो ये ब्लड की क्लिंजिंग होती है, और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस, ये वाटर से क्लिंजिंग होती है, ये भी पेरिटोनियम जो हमारे पेट का हिस्सा है वहां पे एक पेरिटोनियम नाम की होती है, झिल्ली होती है, उसके थ्रू ये डायलिसिस का प्रोसेस या ब्लड की क्लिंजिंग का प्रोसेस जो है वो उस प्रोसेस के थ्रू हम लोग कर पाते हैं जिससे ब्लड को क्लीन कर सकते हैं। तो जो टॉक्सिन्स हैं जो कि वाटर सॉल्युबल टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो जाती हैं इस डायलिसिस के प्रोसेस में। अब हम आते हैं हीमोडायलिसिस पे। नाउ हीमोडायलिसिस की जो प्रक्रिया है उसमें हीमोडायलिसिस में दो जगह पे नीडल लगाई जाती है, या तो शरीर के गले वाले हिस्से में नीडल एक लगती है, कैथेटर उसको कहते हैं, और या फिर हाथ में एक फिस्चुला बोलते हैं, आर्टरी वेन फिस्चुला, एवी फिस्चुला शॉर्ट में, तो वहां पे पेशेंट की ही नसों को थोड़ा प्रोमिनेंट कर देते हैं ताकि नीडल लगाना उनके लिए काफी सहूलियत बड़ा हो जाता है। तो दो नीडल्स हमने लगाते हैं, एक नीडल से ब्लड थ्रू ट्यूबिंग मशीन में जाती है, हमारी एक मशीन में जाती है, वहां पे एक फिल्टर होता है मशीन के अंदर में, उसके थ्रू वो ब्लड फिल्टर हो जाता है, फिल्टर होने के बाद जो क्लीनर ब्लड है वो साथ के साथ ट्यूबिंग के थ्रू दूसरी नीडल से हाथ के ही दूसरे हिस्से में, मरीज के ही हाथ के दूसरे हिस्से में वो वापस पहुंच जाता है। तो क्लीनर ब्लड, द डर्टियर ब्लड, जो उसमें हम कह सकते हैं टॉक्सिन्स ज्यादा थे, यूरिया ज्यादा था, क्रिएटिन ज्यादा था, उसको रिमूव कर दिया हमने, उसको हटाया उस वाटर सॉल्युबल पार्ट को, ब्लड को वापस रिटर्न कर दिया। लेकिन ये प्रोसेस ऐसा है 3 से 4 घंटे ये लास्ट करता है आमतौर पे, और टॉक्सिन्स क्योंकि जनरेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है हमारे शरीर में, तो जब हमने डायलिसिस करके एक बार तो टॉक्सिन्स कम कर दी, फिर वो अगले 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन 2 दिन में वो धीमे 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 बढ़ता जाता है, और 3 से 4 दिन में 3 दिन में उसकी लेवल ऑलमोस्ट वही हो जाती है जो 3 दिन पहले थी जब डायलिसिस हमने शुरू की थी। और इसी वजह से डायलिसिस की एक फ्रीक्वेंसी मेडिकल साइंस ने हमें यही बताया कि वो हफ्ते में 2 से 3 बार हो जाए तब पेशेंट अपने सिम्टम से काफी हद तक रिलीव रहता है। तो ये हो गई हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया, जिसमें पेशेंट को एक हॉस्पिटल जनरली आना होता है, हॉस्पिटल में वो एक बेड पे लेट जाते हैं, ये दो नीडल लग जाती हैं और मशीन के थ्रू फिल्टर हो जाके ब्लड पहुंच जाता है, और ये हफ्ते में 2 या 3 बार करनी होती है। दूसरी प्रक्रिया है जिसको हम लोग पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, ये ऐसी प्रक्रिया है जो मरीज घर पे भी कर सकता है।
हाँ, इस पे वाटर डायलिसिस भी हम कहते हैं इसको, कुछ लोग पानी की डायलिसिस कह देते हैं सिंपल भाषा में। क्यों? उसमें जिस तरह से सलाइन की बैग्स होती हैं, बॉटल्स होती हैं, उनको हम बॉटल पेशेंट को उसको एक्चुअली एक्सप्लेन करके समझा देते हैं पेशेंट और उनके एक रिश्तेदार को। इसको CAPD भी शॉर्ट में कहते हैं। तो वाटर डायलिसिस है, उसमें ट्यूब आके पहले से प्री डिजाइन एक पेट में यहाँ पे कैथेटर सा लगा दिया जाता है, जिस तरह से पेशाब की नली होती है उस तरह की कैथेटर वो फिक्स्ड होती है, और पेशेंट के पास वो बैग से ट्यूब लेके वो उसमें अटैच करने का काम है। और हर आधे घंटे के करीब का समय लगता है जिसमें वो पानी जो है सेलाइन की तरह वो पेट के अंदर जाता है, और उसके बाद 6 से 8 घंटे के गैप के बाद उसको हम लोग ड्रेन आउट कर लेते हैं। तो जो पेट के अंदर में पानी होता है तो वो 6 से 8 घंटे में यूरिया और अदर टॉक्सिन्स को डिजॉल्व करके और साथ के साथ वो निकल जाता है। फिर हम डिस्कनेक्ट करते हैं, पेशेंट अपने घर के इन्वायरमेंट में है, अपने बेडरूम में है, वो घूम टहल भी सकता है उस पीरियड में, तो वो कहते हैं हम CAPD या पेरिटोनियल डायलिसिस। दोनों डायलिसिस लॉन्ग टर्म में इक्वल रिजल्ट्स ऑलमोस्ट देती हैं, लेकिन पेशेंट की कन्वीनियंसेस को हमको इंपॉर्टेंस रखते हैं और उस बेसिस पे ये डिसीजन लेना होता है पेशेंट को और कंसर्न डॉक्टर को कि उनको दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा सूटेबल होगी। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी जो मन के अंदर शंकाएं हैं लोगों की वो आपने दूर की, और यू नो आई एम श्योर जो सुनने वाले हैं उनको एक बहुत अच्छी नॉलेज मिली बेसिक चीज़ों के बारे में। मुझे अब ये बताइए कि एक बार पेशेंट का डायलिसिस शुरू हो गया तो क्या कोई ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें वो डायलिसिस से बाहर निकल सकता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि किडनी एक बार डैमेज हो गई तो फिर वापस ठीक नहीं होती, लेकिन कुछ कंडीशंस में क्या पेशेंट वापस डायलिसिस में वापस निकल सकता है कि डायलिसिस बंद कर दिया जाए? और जब डायलिसिस भी कोई ऐसी कंडीशन होती है कि अब डायलिसिस से भी काम नहीं बन रहा, तब क्या हो और कब होता है कि अब डायलिसिस से भी काम नहीं बन रहा और कुछ और करना पड़ेगा, उसके बारे में बताइए। पहला सवाल, पहले तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत पेशेंट्स उस डर से कई बार डायलिसिस स्टार्ट नहीं करते। और हम लोग जो किडनी की बीमारियां होती है उसको मेजरली दो भागों में पहले तो डिवाइड कर देते हैं। एक कहते हैं हम जिसको एक्यूट किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी AKI, एक्यूट किडनी फेलियर। तो वो एक्यूट का टर्म यूज करते हैं हम लोग टेम्पररी वर्ड के लिए, मेडिकल साइंस में एक वर्ड है एक्यूट। तो टेम्पररी अगर किसी को किडनी की डिजीज है, वो चाहे डायरिया रिलेटेड है, वो किसी दर्द दवाइयों के एलर्जी से है, वो किसी इन्फेक्शन की वजह से है, किसी पेशाब में रुकावट की वजह से है, ये सारी चीजें रिवर्सिबल होती हैं। और उनमें कई बार एक बार, दो बार या 3-4 बार की डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, फिर उनको डायलिसिस उनका होना जरूरत नहीं पड़ती तो हम बंद कर देते हैं डायलिसिस। और कई पेशेंट्स एक्यूट किडनी डिजीज में जिनको मलेरिया हुआ, इस तरह की कई इन्फेक्शन में डायलिसिस की जरूरत पड़ती है और 2-3-4 या 2 हफ्ते तक डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, फिर उनकी किडनीज काफी हद तक रिकवर कर जाती है और डायलिसिस बंद हो जाती है। तो ये एक डेफिनेटली एंटिटी है। दूसरी बीमारी है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी फेलियर, CKD या CRF। ये डायलिसिस, ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें 3 महीने या 6 महीने से ज्यादा से किडनी की बीमारी चल रही है और फंक्शनिंग आज के डेट पे 15% से कम हो गई है। ऐसी सिचुएशन में जरूर आपकी बात सच है कि वो डायलिसिस कई बार जब शुरू करने की नीड होती है तो वो लंबे टाइम जरूरत पड़ती है। हाँ, डायलिसिस से फिर जरूरत कब नहीं हो या कब वो बंद हो सकती है, उसका एक सोल्यूशन है, वो है किडनी ट्रांसप्लांट। वो उनके लिए चाहिए होता है जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जहां हमें पता चल चुका ये रिकवरेबल नहीं है, ये 6-8 महीने से या 3 महीने से ज्यादा से किडनी की बीमारी है, ये रिवर्सल नहीं हो पाएगी, रिकवर नहीं कर पाएगी। उन पेशेंट्स को हम ऑब्वियसली ऑप्शन देते हैं, या आप लॉन्ग टर्म डायलिसिस पे रहें, अगर आप डायलिसिस से छुटकारा चाहते हैं तो हमारे पास ट्रांसप्लांट है, वो इस हॉस्पिटल में ऑलरेडी अवेलेबल है। भाइयों बहनों, डॉक्टर झा ने आज एक बहुत सिंपल तरीके से किडनी के फंक्शंस, किडनी क्या करती हैं, उन्होंने 2-3 चीज़ें ऐसी बताई जो कि शायद हमको पता नहीं थी, अबाउट ब्लड प्रेशर, यू नो हिमो जो स्टेबिलिटी उसको मेंटेन करना, कुछ ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट करना, इन एडिशन टू क्लिंजिंग आर बॉडी की बॉडी में जो टॉक्सिक्स पैदा हो रहे हैं उनके लिए, और उन्होंने डायलिसिस की कौन से प्रकार के होते हैं और डायलिसिस कब आप बाहर निकल सकते हैं डायलिसिस के बारे में भी बताया। अगर आप डॉक्टर एल के झा से बात करना चाहते हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहते हैं, वीडियो कंसल्ट करना चाहते हैं, तो जो QR कोड आपके स्क्रीन पे इस समय है उससे हमारा NHCare ऐप डाउनलोड कीजिए और डॉक्टर झा से आप अपॉइंटमेंट लीजिए, या www.narayanahealth.org पे जाके वहां भी आप डॉक्टर झा से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और कुछ और बातें कर सकते हैं या उनसे आके मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, लोगों के दिमाग में जब डायलिसिस शुरू हो जाता है, मैं ऐसे पेशेंट्स की बात कर रहा हूं, उनके दिमाग में 2-3 चीजें होती हैं, उसके बारे में जरा बताइए। सबसे पहली बात डाइट के बारे में, लोगों ने कहा, सुना है कि प्रोटीन नहीं खानी चाहिए या पानी जो हम
नॉर्मल आदमी को अगर बोलते हैं कि आप इतना पानी पिए तो डायलिसिस पेशेंट्स के कुछ और एडवाइस होता है, मुझे नहीं पता। और लाइफस्टाइल, क्या वो नौकरी कर सकते हैं या घर में बैठना पड़ेगा, एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और जॉब में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। तो ये जो लोगों के मन में जो ये दुविधा है, जो शंकाएं हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, खास करके डाइट वाइज, पहली बार डाइट पे आते हैं। तो डाइट में ट्रेडिशनली उनसे उन्होंने कहा कि वो प्रोटीन नहीं खानी, इस तरह से कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं किसी और को कोट करते हुए। लेकिन सही बात यही कि नॉर्मल हमारी जो डाइट है वो है बैलेंस डाइट, हम लोग कहते हैं 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट प्रोटीन होनी चाहिए उसमें। सो अगर कोई 60 किलो का इंसान है उसको 60 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन में। अब हम आते हैं जिसको किडनी डिजीज है और वो प्रोग्रेस कर रही है, बढ़ रही है बीमारी, किडनी की बढ़ रही है, वहां पे भी ऐसा नहीं है कि प्रोटीन बंद कर दें पूरा। बंद करने से बहुत ज्यादा नुकसान है लंबे टाइम में। पेशेंट जिसको हम लोग कहते हैं माल नरिशमेंट, वो माल न्यूट्रिशन हो जाती है उनको, बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, खून काफी कम हो जाता है। जो रिकमेंडेड है वो है 0.8 ग्राम पर kg बॉडी वेट। तो इट इज नॉट कि बंद करना है, हाँ 20-25% तक कम कर सकते हैं प्रोटीन की मात्रा। फिर स्पेसिफिक प्रोटीन के अलावा कुछ चीजें हैं, जैसे फॉस्फोरस है वो इसमें बढ़ा होता है, पोटेशियम है वो बढ़ा होता है। तो जो पोटेशियम कंटेनिंग चीजें हैं उनको थोड़ा कम जरूर कर लेना चाहिए, जैसे कि है साइट्रस फ्रूट्स हैं, कोकोनट प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में रेस्ट्रिक्शंस बताना पड़ता है हमें, जरूर वो जरूरी है, डायलिसिस वाले पेशेंट्स को भी जरूरी है। फिर जो डायलिसिस वाले पेशेंट्स हैं उनको प्यास ज्यादा लगती है, ड्राइनेस की भी बात होती है, लेकिन उनको वाटर की रेस्ट्रिक्शन हमें बताना होता है, वो रीजन ये है। नहीं तो वजन 2 या 3 दिन में काफी बढ़ जाता है उनका पानी ज्यादा पीने की वजह से, और उस वजह से उनको सांस की दिक्कत शुरू हो जाती है। तो पानी का, वाटर का रेस्ट्रिक्शन है। आमतौर पे कई पेशेंट डायलिसिस के हैं उनकी यूरिन की क्वांटिटी कम हो जाती है, जैसे 200 या 300 ml ही यूरिन आता है 24 घंटे में, उससे भी कम हो जाता है। उन पेशेंट्स को वाटर की रेस्ट्रिक्शन हमें बनानी पड़ती है, नहीं तो वो सूजन आ जाएगी, सांस फूलने लगेगा। तो आमतौर पर हम लोग इसलिए टोटल लिक्विड इनटेक 1 से 1.25 लीटर ही उनको प्रेस्क्राइब रहती है ज्यादातर मरीजों की। हाँ, जिनका यूरिन बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा हो उनके लिए थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी रख सकते हैं, बट 1 से 1.25 लीटर से ज्यादा वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए। पोटेशियम रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, और प्रोटीन में सिर्फ 20% हो, वो भी हो सकता है हमारे यहाँ जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है जनरली हमारे देश में, उसमें हो सकता है वो ऑलरेडी 0.8 या 1 ग्राम एक रूटीन डे में ही ले रहे हो, तो उनको तो प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इस डाइट से रिलेटेड तो ये हो गई। अब रहते हैं, हम आते हैं जॉब पे और बाकी चीजों पे। तो लाइफ स्टाइल में, हाँ, कुछ जनरल लाइफ स्टाइल मेजर्स हैं जो सबको करना चाहिए, वो है स्मोकिंग छोड़ दें, वजन अपना सही कर लें, ब्लड प्रेशर अपना सही करें, दवाई उसके लिए लें, वो तो जरूरी है ही है, वो तो लाइफ स्टाइल मेजरमेंट है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ लंबे टाइम में कार्डियक रीजंस भी हो सकते हैं। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि उस तरह की लाइफ स्टाइल चीजें फॉलो करें, उस तरह की मॉडिफिकेशन जरूर फॉलो करें। लेकिन अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज, क्या वो अलाउड है? हम लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल अलाउड है। एरोबिक टाइप की एक्सरसाइजेज जैसे वॉकिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, वो सारी अलाउड है, वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, हमें मेडिकली उसको मना नहीं करना है। हाँ, बहुत ज्यादा सांस फूल रही हो किसी को, रेस्ट्रिक्शन चाहिए, वो बात सही है। इसके अलावा आते हैं जॉब, जो कई पेशेंट है जो हमारे यहाँ भी यहाँ पे डायलिसिस पे आ रहे हैं और वो पिछले 8-10 साल भी जॉब कर रहे हैं, कुछ यंग हैं जो कॉलेजेस में जा रहे हैं, वो अपने टाइम पे अपने हिसाब से जाएं, जरूर जाएं, हम तो ये चाहते हैं। बल्कि हमारी जो डायलिसिस है वो 24 आवर्स है। तो कुछ लोग हैं जो ऑफिस का अपना काम करके शाम को 6 बजे घर आके फिर 8 बजे हमारे पास आके डायलिसिस करा लें, वी आर वेलकम दैट वे, ओपन 24 आवर्स है। तो उसका ये फायदा है उन मरीजों को जो आसपास रहते हैं, वो रात को भी आके डायलिसिस करा सकते हैं और अगले दिन फिर ऑफिस जा सकते हैं। तो जॉब की कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन एंड से नहीं है, और अगर अच्छी डाइट जो रखते हैं उनकी हेल्थ बढ़िया मेंटेन होती है, हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस कराते हैं और अपनी रेगुलर काम भी पर भी वो जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो प्रोग्राम हमने शुरू किया था नारायणा हेल्थ का, ये इनिशिएटिव हमारी पूरी फोकस प्रिवेंशन की तरफ थी, तो हम चाहते हैं कि एक हेल्दी पॉपुलेशन हो, भारतवासी हेल्दी उसमें चले। तो हम फिर से लास्ट क्वेश्चन पे आज आ गए हैं, मैं प्रिवेंशन पे आपसे पूछूंगा। उस स्टेज पे हम पहुंचे ही ना कि हमें किडनी प्रॉब्लम हो और डायलिसिस पे जाना पड़े, इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों से, दो चीजों के बारे में? एक तो लाइफस्टाइल का थोड़ा आपने टच किया, पर आप थोड़ा उसको एलाबोरेट कीजिए, और ये भी बताइए कि कुछ ऐसे हेल्थ चेकअप्स रेगुलरली कराते रहें ताकि अर्ली साइंस हमें अगर मिल जाएं तो हमें किडनी डिजीज में उस स्टेज पे हम ना पहुंचे जहां पे हमें डायलिसिस की जरूरत पड़े। कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमारे सुनने वालों को बताएंगे?
एक तो हम लोग कहते हैं जिसको प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं, अभी तक डिजीज आई भी नहीं है और उसको हम पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और एक होता है जब डिजीज तो आ गई हम उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं ताकि वो परेशान ना करे, उस लेवल तक ना पहुंचे जहां ये डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ रही है। तो पहले स्टेप में फर्स्ट उसमें यह है कि जो बीमारी के जो कारण है किडनी की बीमारी होने के, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या पेन किलर्स की दवाइयों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ किडनी स्टोन की वजह से आती है, तो इनको अगर हम अलर्ट रहें, सेंसिटाइज्ड हों, तो इन चीज़ों को हम पहले पिक कर पाएँ, और अगर उनको अवॉइड कर पाएँ पहले तो अगर हम किसी का वजन सही रखते हैं, वो अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आमतौर पर नॉर्मल हेल्थ के लिए 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर वीक इज कंसिडर्ड गुड, जो कि रफली 30 मिनट्स 5 डेज इन अ वीक। सो अगर वो एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, स्मोकिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज स्मोकिंग टू बी कंप्लीटली अवॉइडेड, नॉट ओनली फॉर कार्डियक के लिए तो लोग सोचते हैं, कई बार लंग कैंसर के लिए सोचते हैं, बट किडनी के लिए भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किडनी डिजीज की प्रोग्रेशन स्मोकिंग से समहाउ इट हैज बीन फाउंड टू बी लिंक्ड। उसके अलावा है कि अल्कोहल की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर हो तो वो सही रहता है हेल्थ के लिए, वजन ना बढ़ने दें, दर्द की दवाइयां जहां तक हो सके ओवर द काउंटर बिल्कुल ना लें, डॉक्टर की सलाह पे कम से कम समय के लिए जिससे मैनेज हो सके, अगर कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो ले सकते हैं। ये हम बता रहे हैं उनमें जिनकी हेल्थ अभी तक कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल हेल्थ है। अब हम आते हैं उनमें जिनमें या तो उनको खुद डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, कुछ बीमारी ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुकी है, और या फिर ऐसे लोग हैं जिनके फैमिली मेंबर्स में डायबिटीज और हाइपरटेंशन की काफी हाई प्रोबेबिलिटी है, तो उनको भी हो सकता है। ऐसे सब लोग एटलीस्ट यंग एडल्ट होते होते में 25 और 30 साल की एज में एक बार अपना हेल्थ चेकअप करा ले, जो हाई पोटेंशियल पे हैं उनको आने वाले समय में किडनी की बीमारी होने की कुछ अंदेशा है। तो उसके अलावा उसके बाद वो ईयरली बेसिस पे जो डायबिटिक है या जिनका हाइपरटेंशन ज्यादा कंट्रोल में नहीं है, उनको एटलीस्ट ईयरली बेसिस पे यूरिन में एक माइक्रो एल्बुमिन करके या प्रोटीन की टेस्ट है वो जरूर करा लें। वो शुरुआती एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, और उसके अलावा कई बार किडनी फंक्शन के टेस्ट की भी जरूरत पड़ती है, जिस जो कि टाइम टू टाइम कराते रहें ताकि हम बीमारी को सही समय पे अर्ली स्टेज में पकड़ते हैं तो हमारे पास काफी समय होता है चीजों को कंट्रोल करने का, और इस तरह से बीमारी को हम कुछ डिले कर सकते हैं। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्मोकिंग, वेट रिडक्शन, एक्सरसाइजेस, मॉडरेट एक्सरसाइज, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एज अ लाइफस्टाइल मेजर्स। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, उन लोगों में जिनमें किडनी डिजीज अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है या है ही नहीं, पानी की मात्रा के ऊपर काफी चर्चे होते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को जो पानी कितना पीना चाहिए, कम पानी पीने से भी क्या कोई किडनी के ऊपर असर पड़ सकता है, जरा इसके बारे में बताएं। पानी पीने का आमतौर पर जो एक रेगुलर नॉर्मल होना चाहिए इनटेक अमाउंट, वो तकरीबन 2 से 3 लीटर है, लेकिन हाँ गर्मी के मौसम में हो और जहां पे किसी को बार बार धूप में या फिजिकल लेबर ज्यादा करना पड़ रहा हो वहां पे वो 3 से 4 लीटर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी स्वेटिंग और कितना हो रहा है, कितनी फिजिकल लेबर आप कर रहे हो, एक्टिविटी है कितनी ज्यादा। ये है उनके लिए जो नॉर्मल है। अब हम आते हैं उनमें जिनमें हाई रिस्क ऑफ रिकरेंट यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या स्टोन डिजीज की हिस्ट्री है, इनको थोड़ा सा अपवर्डली रखना चाहिए अपने वाटर का इंटेक। तो 2 से 3 की जगह उनको एटलीस्ट 3 लीटर का वाटर इंटेक अगर रखते हैं तो किडनी स्टोन से और यूरिन इन्फेक्शन से, रेकरिंग यूरिन, इन दो चीजों से तब भी थोड़ा बचाव होता है। अगर किसी को ऑलरेडी लेकिन किडनी कमजोर है, उसकी फंक्शनिंग कम हो गई है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ गए हैं, वहां पे आप या कार्डियक प्रॉब्लम है या कुछ लंग्स की प्रॉब्लम है, वहां पे सब जगह पे वाटर रेस्ट्रिक्शन हमें करना पड़ता है। और कई बार जैसे हमने बताया था डायलिसिस के मौके पे 1.25 लीटर, तो इनके लिए कई बार 1.5 या 2 लीटर जिनकी किडनी थोड़ी कमजोर है रेस्ट्रिक्शन करना पड़ता है, नहीं तो पैरों में सूजन, चेहरे पे सूजन, सांस की दिक्कत ये शुरू हो जाती है। तो अलग अलग तरह के मरीजों के लिए ये पानी की जो मात्रा है वो थोड़ी सी वेरिएबल होती है। नॉर्मल हेल्थ में आप इजीली 2 से 3 लीटर लेना चाहिए, गर्मियों में उसको बढ़ा सकते हैं, अगर स्टोन डिजीज है बढ़ा के रखना चाहिए। तो ये कुछ जनरल एडवाइस है जो मैं देना चाहूंगा वाटर इंटेक से रिलेटेड। दोस्तों, डॉक्टर एल के झा ने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह सिंपल तरीके से हम लोगों को बताया। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप डॉक्टर एल के झा से अपॉइंटमेंट लेना चाहें, उनसे मिलना चाहें, वीडियो कंसल्ट करना चाहें, तो www.narayanahealth.org पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आके मिल सकते हैं उनसे, या NH Care ऐप जिसका QR कोड इस समय आपकी स्क्रीन पे है उसको डाउनलोड करके आप वहां भी ले सकते हैं। लास्ट 40 एपिसोड में से ऑलमोस्ट हर एपिसोड में
हर डॉक्टर ने एक बात कही जो बिल्कुल कॉमन है, वो है अपनी लाइफस्टाइल को ध्यान रखने की। फिर से बार बार रिपीट में करता रहता हूँ, इससे शायद कुछ असर पड़े, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हम लोग कर लें, अपने खाने को हम बैलेंस रखें, ज़्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर ना लें, उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल की लाइफ में उसके बगैर काम नहीं है, बट उनका इस्तेमाल को थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा चल फिर लें, कुछ खेलें, यू नो मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, ये बहुत बहुत ज़रूरी हो गया। हर डॉक्टर ने कहा है, अगर ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की हर डॉक्टर बात करता है, इनकी तरफ अगर हम ध्यान दें तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिजीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। चाहेंगे हम यही कि आप कभी भी डायलिसिस पे ना आएं, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा अगर आपको डायलिसिस पे आना पड़े या कोई ऐसी बात हो, उसमें भी घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा कि 24 घंटे धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। इसी के साथ ही डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत आसान तरीके से हमारे जो सुनने वालों उनकी बातों को बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।